हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं एक बहुत ही खास और अमेजिंग हेयर रेमेडी बोल दो, या बालों के लिए बहुत ही खास नुस्खा और टोटका शेयर करने लगी हूँ। तो अब मैं तेल बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मैं डाल कर रही हूँ, ये सरसों का तेल है, ये है 150 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ ढाई चम्मच सूखी मेथी, सही है। और यह है कलौंजी, और मेथी दाने को दोनों को मैंने पीसा हुआ है। इसमें मैंने डाली है पीसने के पहले 2 ही चम्मच कलौंजी और 2 ही चम्मच मेथी दाने को आप पीस लें। जब पेस्ट बन जाएगा ना तो उनको फिर आप इस तेल में डालेंगे। ये पाउडर बन चुका है ना, अब इसको डालना है आपने इस तेल में, पकाना है डाल के। और उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इस तेल को ना 2 महीने लगातार यूज किया था, तो मेरे बाल काफी अच्छे हो गए थे और टूटना तो बिल्कुल ही बंद हो गए थे। बीच में बस मैं बिजी इतना ज्यादा हो गई तो मैं यूज ही ना कर सकी दोबारा। अब दोबारा बना रही हूँ, सही है। और बनाते बनाते मैं आपसे बातें भी करती रहूँ। बहुत ज्यादा तेल आंच पे भी नहीं पकाना है इसको, बस इतना, सही है, हल्की आंच। ये तेल हल्का गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये मेहंदी डाल रही हूँ। ये 2 ढाई चम्मच है मेहंदी, सूखी मेहंदी। अगर 2.5 से 3 चम्मच भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आप पहले ऐसे मिक्स करो मेहंदी को सारे को, जिससे कि मैं आपको पहले ही बता दूं, इससे जो तेल मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, इससे बाल सफेद भी नहीं होते, बाल टूटते नहीं है, लंबे होते हैं, घने होते हैं, चमकदार होते हैं। ये समझ लीजिए कि ऑल इन वन सब कुछ फायदे इसी तेल में मौजूद है, सही है। तो चैनल पे जो नए लोग देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो सारे पुराने मेरे देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। और जब ठंडा होगा तो फिर मैं इसको अपने बालों पे लगाऊंगी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसको छान लूं। इस तरह से करके आप लोग भी तेल को छान लो। और इसमें ये देखो जो मेहंदी और कलौंजी और मेथी दाना मैंने डाला हुआ था वो रह गया, लेकिन वो रह जरूर गया है, उसका जो असर था ना वो तेल में जा चुका है। ये ओके हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें मैं लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। इसको ठंडा होने के बाद फिर आप तेल लगा सकते हैं सर पे, और ये जो कलौंजी और मेथी जो बच जाती है ना इसको फेंक देना, इसको वापस तेल में नहीं डालना, सही है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ जिसकी भी सर की जो भी प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी, सही है। और ना हो तो मैंने बोला है कि आप लोग मुझे जो चाहो बोल सकते हो। उम्मीद से लगाना, अल्लाह का नाम पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई गलत भी चीज़ यूज़ करोगे तो उसका कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो अब मैं आप लोगों को बोलूँगी क्या कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं कुछ भी बोल रही होती हूँ, कभी कभी मैं अपनी वीडियो देख के खुद भी हंसती हूँ कि लोग बोलते होंगे भाभी अकेली रह रहे के पागल हो गई है। ऐसा नहीं है, मैं बस कैमरा खोल के ये मेरा टाइम पास इससे अच्छा हो जाता है। मैं जिंदगी में बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। जब मैं तेल लगाऊंगी ठंडा होने के बाद तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाऊंगी, इंतजार कीजिएगा। जब तक के लिए आप सब अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।